बीजेपी और आरएसएस के लोग जो समाज को बांटते हैं, तोड़ते हैं और फिर गरीबों का पूरा पैसा 5-10 अमीर लोगों के हवाले कर देते हैं। किसी पार्टी पर, किसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं तो वो पार्टी थोड़ी डिगमिगा जाती है। इनको कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। बड़े बड़े वायदे, बड़े शब्द, मगर काम कुछ नहीं। 112 योजनाएं मोदी जी लेकर आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, सॉइल हेल्थ कार्ड। भैया अभी तो 14 ही हुई है। 112 योजनाएं लेकर आए राहुल बाबा, गिनते गिनते थक जाओगे, गिनती भूल जाओगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को मेडल की तरह छाती पर सजाते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। हम बीजेपी को कांग्रेस पार्टी की शक्ति दिखाना चाहते हैं। 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कर्नाटक के हर बूथ पे हम इनको टक्कर देंगे, एक बूथ नहीं छोड़ेंगे, एक के बाद एक हर बूथ पे इनको हराएंगे। सिर्फ विजय प्राप्त नहीं करना है, ऐसा प्रचंड विजय प्राप्त करना है कि 20 साल तक कांग्रेसियों को इस राज्य में जीतने का स्वप्न न आए। इस प्रकार का विजय भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और फिर इसके बाद 2019 में हम जाके जीतेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी और फिर देखना कैसे कर्नाटक आगे जाता है। संसद में जिता दिया, विधानसभा में येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दो, ये दो इंजन कर्नाटक को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।